रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? फ्रेंड्स, हमने आज बना रहे हैं कैरमल ब्रेड पॉपकॉर्न। तो इसके लिए हमने ये चार ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। चार पांच ब्रेड स्लाइसेस ले लें आप, और ये कैंची की मदद से ये इस तरह से, सबसे पहले तो हम इन्हें काट लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये बहुत मज़े की बनती हैं, ख़ास तौर पे जो कैरमल ब्रेड पॉपकॉर्न्स होते हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, ज़रूर आप बच्चों के लिए इन्हें बनाइएगा। अब हम इन्हें इस तरह से ये साइड से काट लेंगे। और इसी तरह से हमने सभी को फ्रेंड्स ये इस तरह से बिल्कुल काट लेना है। ये देखें, सबको इसी तरह से हम काट लेंगे। आप चाहें तो, अगर कैंची की मदद से नहीं काट रहे काटना चाह रहे, तो आप छुरी को इस्तेमाल करते हुए भी इन्हें काट सकते हैं इस तरह से। बहुत आसानी से कट जाएंगे। फिर इस तरह से हम इन्हें बिल्कुल एक स्क्वेयर शेप में काट रहेंगे। आप इन्हें जब बनाएंगे तो बच्चों को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे। अब हम इन सभी को एक बाउल में डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इन्हें हल्की आंच पर, यानी बिल्कुल हल्की आंच पर, इन्हें जब तक ये थोड़े क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें थोड़ा सा हीट देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें ये किसी कढ़ाई में या किसी पैन में हम इन्हें हम डाल देंगे। और इनको फ्रेंड्स हम अभी ये बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से, जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, ये थोड़े से क्रिस्पी से नहीं हो जाते, तब तक हम इन्हें अच्छे से थोड़ा सा फ्राई सा कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देख लें, ये हो चुके हैं बिल्कुल, ये रेडी हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब फ्रेंड्स हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, कैरमल के लिए अब हम सबसे पहले तो ये आधा कप चीनी डाल देंगे, और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें देसी घी, हमारा 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप बटर, देसी घी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये यहाँ पे ये देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम इसमें ये थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रहे हैं, तकरीबन आधी छोटी चम्मच। आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लीजिएगा, वैसे ही ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं। अब हम इसे मज़ीद 1 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स ये देखें, हमारा कैरमल तैयार है। तो अब हम इसमें हमारे ये जो हमने ब्रेड को स्लाइसिस में काट के ने अच्छे से थोड़ा सा फ्राई किया था, इन्हें हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, अच्छे से हमने ये मिक्स कर लिया है। और अब हम इनको किसी ट्रे वगैरह में इस तरह से वन बाय वन अलग कर लेंगे।
देखें इस तरह से वन बाय वन हमने इन्हें अलग कर लेना है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और बच्चे शौक से खाते हैं, तो हम रिकमेंड करेंगे आप ज़रूर इन्हें बनाइएगा। जी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारे कैरमल रेड पॉपकॉर्न रेडी हैं, आप भी ज़रूर इन्हें घर पर बनाइएगा और बताना ना भूलिएगा कैसे बने। फ्रेंड्स बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर आप भी बनाइएगा क्योंकि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत ये पसंद आते हैं, बच्चे ऐसी चीज़ें शौक से खाते हैं और इन्हें आप बना के जब बच्चों को देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे और शौक से खाएंगे। और ये बनते बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बताइए ना बताना ना भूलिएगा कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।